नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मार्कंडे सिंह। आप देख रहे हैं टेज कुशीनगर। दोस्तों, आज का टॉपिक वीडियो है, वीडियो एडिट कैसे करें मोबाइल से एक मिनट में सीखें। हाँ तो दोस्तों, आपने सही टॉपिक पे आया है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा मोबाइल से वीडियो एडिट कैसे करते हैं। हाँ तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे। हाँ तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे। मोबाइल के होम स्क्रीन पे आने के बाद आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। यहाँ पे प्ले स्टोर है दोस्तों, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है, मैं टाइप करता हूँ, यही चीज़ आपको टाइप करना है, INSHOT, इनसुट। उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। सर्च बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे ओपन बटन शो करेगा दोस्तों, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एग्री का ऑप्शन आ जाएगा, आपको एग्री पे क्लिक करना है। एग्री पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन शो कर रहा है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे वीडियो का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलाउ करने का ऑप्शन, परमिशन मांगेगा दोस्तों आप लोगों से। यहाँ से सबसे पहले नंबर पे अलाउ पे क्लिक करना है। अलाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी में लेके सीधे चला जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से कोई भी वीडियो ले लेते हैं दोस्तों। चलिए मैं ये वाला वीडियो ले लेता हूँ। उसके बाद वीडियो लेने के बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में नीचे कोने की तरफ यहाँ पे सही का निशान दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपका वीडियो इस प्रकार से ऐड होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन शो करेगा, नेक्स्ट बटन, इसके ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा ओके करने के लिए, ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस प्रकार से आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद सबसे पहले नंबर पर आता है साइज, आपका वीडियो का साइज क्या है, आप किस लिए वीडियो बनाते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, यानी किस प्लेटफार्म के लिए वीडियो बना रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, किसके लिए वीडियो बनाना चाहते हैं, उसका साइज सेलेक्ट कीजिए। साइज सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर नीचे देखेंगे एक कैनवास का ऑप्शन शो कर रहा है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे साइज दिए हुए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। पहला इंस्टाग्राम के लिए है, दूसरा भी इंस्टाग्राम के लिए है, उसके बाद यूट्यूब आता है, उसके बाद टिकटॉक आता है, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह स्लाइड करेंगे यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो मैं यूट्यूब के लिए बनाना चाहता हूँ, इसलिए यूट्यूब पर क्लिक करूँगा। यूट्यूब पर इस वाले पर मैं क्लिक करूँगा, इस वाले पर क्लिक कर लेते हैं। फिर ये साइज सेलेक्ट हो गया दोस्तों यूट्यूब का। उसके बाद आता है इसको सेव करने के लिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर ये सेट हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से। उसके बाद हम क्या करना है दोस्तों, उसके बाद म्यूजिक आता है, यहाँ पे म्यूजिक आता है दूसरे नंबर पे म्यूजिक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। यहाँ से म्यूजिक ऐड कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे म्यूजिक है। चाहे तो अपना वॉइस को डब करना चाहते हैं तो इस वाले पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको कोई म्यूजिक लगाना है तो इस वाले पे क्लिक करना है। चलिए मैं म्यूजिक लगा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे म्यूजिक आएंगे दोस्तों यहाँ से। उसके बाद आता है दोस्तों माई म्यूजिक, आपकी गैलरी में जो भी म्यूजिक होगा वो ले सकते हैं। माई म्यूजिक पे क्लिक करेंगे, इस वाले पे, यहाँ पे आपके जो गैलरी के जो भी म्यूजिक है यहाँ पे शो करेंगे, जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। उसके ऊपर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा
यूज यूज इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका म्यूजिक ऐड हो जाएगा। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं यहाँ पे म्यूजिक ऐड हो चुका है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे हमारा म्यूजिक ऐड हो चुका है। उसके बाद हम चाहते हैं म्यूजिक को एडिट करना, कट करना, अपने म्यूजिक जो ना ऐड किया है उसको कट करना चाहते हैं। यहाँ पे पेंसिल का आइकन शो कर रहा है, इसके ऊपर हमको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, इसको हम यहाँ से कट कर सकते हैं। जैसे कि इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, जहाँ से म्यूजिक लगाना है जहाँ से जहाँ तक उसको हम छोटा बड़ा इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। चलिए मैं इतना कर लेने के बाद, उसके बाद आता है यहाँ पे सही का निशान दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर म्यूजिक ऐड हो जाएगा। उसके बाद इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका म्यूजिक रेडी हो चुका है। उसके बाद आता है दोस्तों तीसरे नंबर पे स्टिकर, स्टिकर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा से स्टिकर आएगा दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर बहुत सारे स्टिकर शो कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप गैलरी से लेना चाहते हैं तो गैलरी वाले पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और दोबारा से यहाँ पे क्लिक करेंगे इस प्लस वाले आइकन पे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से जहाँ भी आपका फ़ोटो होगा उसको आप ले सकते हैं। चलिए मैं ले लेता हूँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे फ़ोटो रख चुका हूँ दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे मैंने अपना फ़ोटो रख दिया है। ये फ़ोटो PNG में है दोस्तों, इसलिए ऐड हो चुका है। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे सही का निशान, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड हो जाएगा। इस तरह से फ़ोटो ऐड हो चुका है, यहाँ पे प्ले करके देख सकते हैं, यहाँ पे हो गया दोस्तों। इस तरह से हम अपना फ़ोटो भी ऐड कर चुके हैं दोस्तों। अगर हम वीडियो में कुछ लिखना चाहते हैं, यहाँ पे आता है टेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर यहाँ से टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, जो भी लिखना चाहते हैं। मैं लिख देता हूँ टेच कुशीनगर, एक डेमो दिखा रहा हूँ बस, टेच कुशीनगर इस तरह से लिख लेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे सही का निशान दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये ऐड हो जाएगा। अब हम टेक्स्ट को कहीं भी हम खिसका सकते हैं, इसके माध्यम से कहीं से हम घिसका सकते हैं, जैसे कि मैं घिसका के दिखा देता हूँ, इस तरह से घिसका सकते हैं आप लोग। यहाँ पे हम कर लेते हैं इस तरह से, उसके बाद यहाँ पे सही का निशान दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर ये सेट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे हो चुका है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों फिल्टर, इसके ऊपर क्लिक करना है फिल्टर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा एक नंबर पर इफ़ेक्ट, जो शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा यूज होता है दोस्तों इफ़ेक्ट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट दिए हुए हैं दोस्तों, देख लीजिए इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपका वीडियो चलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह से वीडियो चलेगा, तीसरे नंबर पर क्लिक करेंगे इस तरह से आएगा, चौथे पर इस तरह से, पाँचवें पर इस तरह से, छठे पर इस तरह से, इस तरह से सेट कर सकते हैं आप लोग। ये बेसिक था दोस्तों, इसके बाद ग्लिच आता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरह से करेंगे वीडियो इस तरह से चलेगा। उसके बाद आता है फेड या फेडी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आता है बेट्स, इसके ऊपर क्लिक करके हम इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, जैसा भी चाहिए उस प्रकार से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिल्म या FILM, फिल्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह करेंगे, देखिए इस तरह से शो करेगा आपका वीडियो, देख सकते हैं वीडियो देखते रहिएगा। उसके बाद नीचे जूम पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से जूम होगा। उसके बाद आता है स्पील्ड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दो फोटो हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर चार फोटो हो जाएंगे, यहाँ पर इतने सारे, जैसे जैसे करना चाहें उस हिसाब से आप कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर मॉडल चेंज हो चुका है, इस तरह से सेट कर सकते हैं। उसके बाद रेट्रो,
यहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत सारे इफेक्ट हैं दोस्तों, जो भी ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। चलिए जो भी कोई भी मैं एक ले लेता हूँ, बेसिक पे ये ले लेता हूँ। ये लेने के बाद यहाँ पे सही का निशान दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इफेक्ट यहाँ पे सेट हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक सेट हो चुका है दोस्तों। उसके बाद इसको सेट कर सकते हैं, यहाँ पे सही का निशान दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर ये सेट हो जाएगा। और मैं दिखा देता हूँ इफेक्ट किस तरह चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से चलेगा दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों छठा नंबर पर, सिक्स नंबर पर पी आई पी बहुत ही कमाल का है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है दोस्तों PIP। इसके ऊपर क्लिक करके हम एक और वीडियो ऐड कर सकते हैं, अपने ही वीडियो में एक और वीडियो ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। PIP पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कोई भी वीडियो दोबारा से ले लेता हूँ। तो कोई भी वीडियो आप ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं एक वीडियो ले लेता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब इस वीडियो को हम छोटा बड़ा जिस तरह से कर सकते हैं, इस साइड में लगा सकते हैं इस तरह से, और यहाँ से प्ले करके देख लेते हैं। चलिए मैं वीडियो को इधर कर लेता हूँ क्योंकि इधर मेरा फ़ोटो है, मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। इसलिए हमारा दो हो गया वीडियो। अगर और भी वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दोबारा से PIP पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई भी वीडियो ले लीजिए, ये वाला ले लेते हैं। चलिए कोई एक ए वाला ले लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से ले सकते हैं। अब इस वीडियो को यहाँ पे सेट कर सकते हैं और फिर से प्ले करके दिखाते हैं। यहाँ से प्ले करेंगे, यहाँ से यहाँ पर देखिए वो भी वीडियो चलने लगा। जितना चाहे उतना आप वीडियो ऐड कर सकते हैं एक साथ में दोस्तों, ये बहुत अच्छा मेरे को लगता है दोस्तों। उसके बाद आता है यहाँ पर सही का निशान, इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर ये सही हो जाएगा। उसके बाद हम प्ले कर लेंगे इस तरह से, देख लीजिए दोस्तों। अब आता है दोस्तों इसका वॉइस, जैसे हम चार वीडियो ऐड किए, अब चारों का ऑडियो तो एक साथ चलाएंगे तो अच्छा तो लगेगा नहीं, तो हम एक एक करके बंद कर सकते हैं। कैसे बंद करेंगे? जो सबसे पहले नंबर पर वीडियो है दोस्तों वो हमारा यहाँ पे है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे इस तरह से। उसके बाद इस वाले बटन को इस तरह से स्लाइड करना है आप लोगों को, इस तरह से स्लाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैलून बटन शो करेगा, यहाँ पे बैलून बटन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको हम माइनस कर देंगे, यानी सबसे पहले नंबर का जो वीडियो था उसका आवाज़ बंद हो चुका है। अब हम चाहते हैं दूसरे नंबर का वीडियो भी बंद हो जाए, आवाज़ बंद हो जाए। तो दूसरे नंबर पर हम वीडियो ऐड किए हैं, ये वाला वीडियो हम चाहते हैं इसका आवाज़ बंद हो जाए। इसका आवाज़ बंद करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे PIP पे क्लिक करना है, इस तरह से आ जाएगा हमारे दूसरे नंबर का जो वीडियो है यहाँ पे शो कर रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे इस तरह से। फिर से दोबारा से इसको स्लाइड करेंगे, बैलून बटन पर क्लिक करके इसको बंद कर लेंगे। अब सिर्फ हमारा बचा एक ही ऑडियो दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे सही का निशान पे क्लिक करेंगे, इस तरह से हो जाए। अब सिर्फ हमारे एक ही ऑडियो चलेगा, एक ही वीडियो का ऑडियो चलेगा, इसका हमने तीसरे नंबर का ऑडियो चलेगा। अब इस तरह से प्ले करेंगे, हमारा वीडियो चलना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, इसलिए चलना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। इस तरह से आप लोग, इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं दोस्तों, अगर मैं एक बताने लगूंगा तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बाकी आप लोग इसको जैसे जैसे यूज करेंगे उसके अनुसार आप लोग समझ जाएंगे। यही मेन फंक्शन है दोस्तों वीडियो एडिटिंग का, बाकी सब कोई वैसे है दोस्तों, उसको हम कोई इतना यूज नहीं करते हैं। जो भी यूज करते हैं यहीं तक यूज करते हैं। और उसके बाद इसको सेव करना है, सेव करने के लिए यहाँ पे सेव बटन शो करता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से सेव कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे सेव का ऑप्शन शो कर रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कन्वर्टिंग वीडियो 0%।
जब ये 100% कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, इस वीडियो आपकी गैलरी में चला जाएगा। तो आप इंतज़ार करते हैं सेव होने तक दोस्तों, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं हमेशा लेके आता रहता हूँ दोस्तों। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्तों वीडियो कैसा लगा। चलिए हमारा कंप्लीट होने वाला है दोस्तों, जस्ट कुछ टाइम हो जाएगा। चलिए 50 हो चुका है, चलिए कुछ ही टाइम और बचा है, बस कंप्लीट हो जाएगा फिर हम वीडियो को समाप्त करेंगे। इस वीडियो को मैं प्ले करके बस दिखाऊंगा दोस्तों, इसमें मैंने कोई आवाज़ को नहीं दिया है दोस्तों, क्योंकि मैं आवाज़ अगर दूंगा तो मेरे को कॉपी राइट आ जाएगा, इसलिए मैं सब आवाज़ को बंद करके रखा हूँ सिर्फ भी डेमो दिखाने के लिए। चलिए हमारा कंप्लीट होने वाला है दोस्तों, मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हम प्ले कर सकते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और हमारा वीडियो प्ले हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर तीन तीन वीडियो चल रहा है, फ़ोटो भी लग चुका है दोस्तों। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों वीडियो कैसे एडिट किया जाता है। वैसे तो आप जब लोग इस एप्लीकेशन का आप यूज करोगे तो आप लोग खुद समझ जाओगे कैसे यूज करना है दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है दोस्तों इसमें वीडियो एडिट करना। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।